तो उसमें क्या हुआ, जब रात के आपके 12 बज जाते हैं तो उसके बाद वो डेट चेंज हो जाती है, तो काफी पंगा पड़ गया था ये रात को। बस आता है कि यहाँ ये राजा बनता है, वो वहाँ ये राजा बनता है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल बींग चावला। ये क्या, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक मैंने कल से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। जब से हम पांग से निकले थे, तो पांग से निकल के हमारा प्लान था कि हम लेह लद्दाख, मतलब लेह तक पहुँच जाए। लद्दाख हमने एंट्री कर ली थी, लेह तक हम पहुँच जाए। तो उसमें 160 किलोमीटर कुछ हमारे रह रहे थे। सो उसके बाद जब हमने चलाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद का जो आगे का रास्ता था वो थोड़ा सा क्लियर था। तो रात को 11:30 बजे लगभग तक हम लेह पहुंच गए थे। तो बट हमने क्या गड़बड़ कर रखी थी, एक एक्चुअली पहले ये गड़बड़ नहीं लग रही थी, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ हुई कि ना, जो लेह का प्रॉपर जो होटल्स वगैरह थे, सारे कुछ थे ना, वो ऑलरेडी सारे के सारे बुक थे, काफ़ी ओवरक्राउडेड हो गया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स पे हमने कम से कम 50 होटल्स जो हो गए, और ये कहने वाले 50 नहीं है, एक्चुअल 50 होटल्स पे हमने उतर उतर के पता किया। क्योंकि ना मेक माई ट्रिप हो गया, booking.com हो गया, या इन पे हो गया ना, इन पे ना ऑप्शंस ही नहीं आ रहे थे, जहाँ पर जिस लोकेशन पे हम खड़े थे या कुछ था, हमें कुछ खास ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे थे। तो उतर उतर के जैसे लोगों से हम पूछ रहे हैं कि कहाँ पर होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, और ये रात के 11:30 बजे की बात है, तो हमने काफ़ी सारे होटल्स वगैरह पता करे, तो किसी के पास भी रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो काफ़ी पंगा पड़ गया था ये रात को। तो रात को हम लगभग 12-1 बजे तक तो हम इसी तरीके से भटकते रहे। और उसके बाद जब हमने ऐप वगैरह में भी, एयरबीएनबी पे चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, जब रात के आपके 12 बज जाते हैं, तो उसके बाद वो डेट चेंज हो जाती है, लाइक आपका 6 तारीख से वो 7 तारीख लग जाती है। और हम तो ऑलरेडी अभी सड़क पर ही थे, हमारे पास कोई रूम वगैरह नहीं था। सो फिर हमारा क्या हुआ कि हमने वो रूम, हमें कोई मिला नहीं है, रात हमारी हो चुकी थी, तो हमारा लगभग 2 बज गए थे। 2 बजे के बाद तो फिर क्या किया, हमारी हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि हमने एयरपोर्ट के आसपास देखा कि वहाँ पर कोई रूम मिल जाए या कुछ है, जैसे दिल्ली में होता है कि आपका एयरपोर्ट के आसपास मिल जाता है। हमने पहले बुकिंग इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि ना हमारी एग्जैक्टली पता नहीं था कि हमें जाना कहाँ पे, या बीच में भी हो सकता है हम रुक जाएँ, या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कैसी चीज़ रहती है। इस वजह से ना हमने पहले बुकिंग नहीं कराई थी कि हम जब तक जहाँ पर पहुँचेंगे हम वहाँ पर होटल ले लेंगे। बट एनीवेज, तो कल की जो रात है वो बड़ी बेकार थी। कल रात को हम कार में ही सोए थे, हमने एक जगह कार पार्क कर ली और वहाँ पर सो गए थे, मूड भी बहुत ख़राब हो गया था। तो कल का दिन तो चढ़ा ही बड़ा बेकार था, सुबह पहले पर्स खो गया, देन रास्ता बहुत ख़राब था, वॉमिटिंग वगैरह चीज़ें वो सब स्टार्ट हो गई थी, एंड देन उसके बाद फिर रात को ये होटल वाला सीन। तो कल तो मूड बड़ा अपसेट हो गया था, मैंने कुछ शूट भी नहीं करा उसके बाद। तो रात को जब हमने होटल वगैरह बुक कर दिया था, तो बुक करने के बाद मॉर्निंग में फिर हम इस नए होटल में आए हैं, क्योंकि 7 तारीख से बुकिंग मिल रही थी और ये एयरबीएनबी का है। तो ये जो लेह का जो, जहाँ पे सारे होटल्स हैं, सिटी सेंटर वगैरह, उससे लगभग 4 किलोमीटर दूर है, खरदुंगला रोड पे। तो बिल्कुल सेक्लूडेड है, अलग से है, बट काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर भी रुके हुए हैं। तो हम यहाँ पर आके रुके हैं, तो रूम वगैरह काफ़ी अच्छा मिल गया था। मैं आपको रूम पहले एक बार दिखा देता हूँ, और उसके बाद अभी हमारा आज का प्लान है। अब फिलहाल हम थोड़ा सा थके भी हुए थे, चीज़ें थी, तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो हम निकले तो कहीं नहीं थे, बट अब बेटर फील कर रहे हैं, हेडेक वगैरह सब ठीक ठाक हो गया है। तो अब निकलेंगे बाहर घूमने के लिए, लेट्स सी, सिटी देखते हैं, आसपास स्तूपा, शांति स्तूपा है वहाँ, देखते हैं आसपास मोनेस्ट्री जाते हैं। अभी थोड़ा सा हम यहीं रहेंगे, और कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ पैंगोंग लेक के लिए। तो चलते हैं साथ साथ, आपको दिखाते हैं और घूमते हैं लेह। रात को तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, क्योंकि अभी तो आप सामने का व्यू देखो, यहाँ से तो सारे आपको पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं, स्नो आईवी है माउंटेन्स वगैरह पे। रात को तो अंधेरा था, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, बड़ा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और जो भी देख रहे हैं, तो कहीं पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही नहीं लग रही थी कि हाँ भाई चलो रूम मिल रहा है या कुछ है। चलो फिलहाल मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, ये है, यहाँ से एंट्री करिए, फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम, और ये रूम हो गया। एंट्री करते ही क्लोजेट हो गई, ये पानी की पेटी हमारी जो कार में थी, हम वहीं लेकर आ गए, या अब रेडी हो गए आगे जाने के लिए। ये हमारा वॉशरूम वगैरह प्रॉपरली लीजो भी रेडी हो गया है, बेड वगैरह, सो गए थे आते ही तो थकान हो गई थी, तो इसलिए बेड वगैरह थोड़ा मैसी हो गया है। ये थोड़ा सा चेयर वगैरह लगी हुई है एरिया, एंड देन यहाँ पे मैंने लैपटॉप और अपना सेट कर दिया है, कॉफ़ी मशीन एंड एवरीथिंग।
और ये हमारी बालकनी हो गई। यहाँ से सो ये है, ये एयरबीएनबी से बुक कर लिया था, अप्रॉक्सीमेटली 1700-1800 का पड़ा है और 3 नाइट्स के लिए हमने ये बुक किया है। तो बस चलते हैं, ये इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब आगे चलते हैं। आगे चाहता हूँ कि आगे वाला ट्रिप अच्छा 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 चल रहे और दिखाते हैं आपको भी, साथ में घुमाते हैं ले। चलो ये अब एग्जिट कर लिया है। बहुत तेज़ धूप है, मतलब काटने वाली धूप है ये। हवा चल रही है, गर्मी नहीं लग रही, बट बहुत काटने वाली धूप है। ये होटल है जहाँ रुके हैं, बस चलते हैं आगे। अब भूख लगी है, कुछ खाना खाने चलते हैं बाहर। ये पैसेज हो गया ना, कार वो खड़ी हुई है वहाँ पे। अब फिलहाल ना मौसम ऐसा है कि मतलब आपको ठंड नहीं लग रही है, बट सेफर साइड के लिए जैकेट ले ली है इनकेस अगर ठंड लग गई शाम को या रात के टाइम पे, तो पहन ली जाएगी, बाकी फिर चले। ये निकले और ये देखो बाहर निकलते ही ये सारे पहाड़ कितने साथ में चल रहे हैं। बट यहाँ वाले जो पहाड़ है ना सारे ऐसे हैं बंजर बंजर टाइप के। गर्मी नहीं है ये, लग रही है इतनी, क्या बचा तूने जैकेट के पहने में, ये तो होता यार। मैंने 5 जैकेट सेलेक्ट करके लाया था कि भैया पहनूंगा, फोटो खींचूंगा। अब मेरे को टी शर्ट में बैठा था, दिल्ली में नहीं बैठता था। वही बात है, वो वहां चलो, वो देखो जहाँ दिख रहे बर्फ, ये यार यार तपरी है भाई गॉड यार। बहुत गर्मी है यहाँ पे, फिलहाल जून का टाइम है ना, इससे गर्मी है। और जब वो स्नो वगैरह पड़ने लग जाती है फिर बंद हो जाती है रोड वगैरह। पूछा तो लिखा है चिनार एप्पल बियर, मतलब फ्रूट बियर है एप्पल आई बडवाइजर की बॉटल में। ये यहाँ पे कुछ इनके मेन्यू में था सोडेको मोमोज, तो ये है जो आए देखने में तो डिलीशियस लग रहे हैं, अब देखते खाते तो कैसा लगता है। जस्ट लंच किया है अभी यहाँ पे, अभी जा रहे हैं हम थिक्से मोनेस्ट्री। तो जो वो हमारी लोकेशन है ना वो हमसे 18 किलोमीटर दूर है, 18-20 किलोमीटर दूर है कुछ आगे। तो ये देखो सामने का व्यू कैसा आ रहा है, सामने सारे पहाड़ है, ऊपर पीक पे हल्की हल्की स्नो है, लेकिन गर्मी अभी बहुत है। हमने एसी चला रखा है, लेकिन जैसे कल शाम को था ना कि ठंड हो गई थी, वैसे ही यहाँ पे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, शाम को ठंड है। अभी तो नॉर्मल शर्ट में बैठा हूँ मैं तो। चलो फिलहाल चलते थिक से मोनेस्ट्री, वहां घूम कर आते हैं। थिक से मोनेस्ट्री पे भाई साहब पूरा नीचे से तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मुझे लगा था रास्ता वहीं से ही होगा, मैं अभी जाते हुए आप लोगों को दिखाऊंगा, बट इसका रास्ता यहाँ से है। देखो बाहर का पूरा व्यू ये सारा है, यहाँ से पूरा रास्ता आ रहा है और वहाँ पर हमने जाना है। ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई है, लेट्स सी कैसा रहता है, चलते हैं देखते हैं अब आगे। हवा चल रही है, जब तक हवा चल रही है तब तक ठीक है, वरना धूप बहुत तेज लग रही है। अब देखते हैं आगे क्या हिसाब किताब है, टिकट विकेट है या क्या है। टिकट ले लिए थिक से मोनेस्ट्री की, 50 रुपीज़ पर हेड है। और ये अब हम चढ़ाई कर रहे हैं शुरू, ठीक है। वाटर डिस्पेंसर, वाटर ATM है, स्टार्टिंग भी मिल जाएगा, खाली बॉटल भी है तो आप यहीं से फिल कर सकते हो। यहाँ से वो देखो वहां से एंट्री करिए और ये देखो यहाँ पर आ गए, पूरा नीचे वैली नजर आ रही है, पीछे हिल्स हैं, ये वैली है। एक जन
जनपद हुआ करते थे, उस जनपद में से एक जनपद था मगध जनपद। मगध जनपद में एक राजा हुआ बिभीषण। जब राजा बिभीषण बचपन में गुरुकुल में जाया करते थे, उनको वहां पर एक साथी मिला, दोस्त मिला, मित्र मिला, क्लासमेट मिला, वो था तक्षशिला देश का राजकुमार उत्तरायण। तक्षशिला देश के राजकुमार उत्तरायण और मगध के राजकुमार बिभीषण दोनों ने गुरुकुल में साथ बिताया, साथ खेला, साथ खाया, बहुत लंबे समय तक साथ बिताया। तो पूरा शिक्षा खत्म होने के बाद तक्षशिला के राजा उत्तरायण तक्षशिला जाते वापस, मगध के राजा बिभीषण मगध वापस आता है। ये यहाँ के राजा बनते हैं, वो वहाँ के राजा बनते हैं। जो मगध के राजा ने उनको जवाब में लिखा, तो उनको शुरू शुरू में सोचा कि किसी देश का नक्शा होगा, लेकिन देखते देखते गया थोड़ा जान लगा, तो वहां पर भी तक्षशिला जी को गौतम बुद्ध एक मनुष्य था, भिक्षु रहता था, मुमुक्ष रहता था। उनमें से तक्षशिला के राजा उत्तरायण का जान पहचान के गुजुर भिक्षु को बुलाया, कहा कि अब इसको व्याख्या करो क्या है, अब तो मगध जनपद में जाते रहते हैं, मगध जनपद से मुझे एक चित्र कराया, इसके विषय में आपको ज्ञान है तो बताओ। तो कहा देखिए तक्षशिला बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, महाराज उत्तरायण केवल किसी देश का नक्शा नहीं है, ये तो पूरा संसार का नक्शा है, संसार का मैप है, ये आपके लिए मनोरंजन के लिए नहीं बना, अब इसको देखकर रस नहीं लेना चाहिए, मजा नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे धर्म का बहुत कुछ संदेश है जो मगध के राजा आप तक पहुँचाना चाहते हैं। लोग असुर लोग और चंद्रवर के लोग, नरक के लोग, भूतप्रे के लोग, ये कहते हैं हम संसार में बार बार भटकता है, जो भोगते हैं क्यों भोगते हैं, उसका मूल कारण जो है ये सब पक्षी जानवर यानी राग मोह दोष बुरे विचार को, इसी के कारण हम कुछ कर्म करते हैं फिर जन्म लेता है, इसको दोहराता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का श्लोक कहते हैं, हम यहाँ से मुक्ति मिल सकते हैं, यानी यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट कलर पिक्चर जो बनी है और ये मगध के राजा का और चीज़ों का, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने समझाया है। इसकी क्लिपिंग्स मैंने वीडियो की ऑलरेडी इसमें डाल दी हैं, तो प्लीज़ बहुत शांत जगह है, आराम से आओ, लोग बैठे हुए हैं, चीज़ें हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए मना नहीं कर रखा। यूजुअली क्या हर जगह मंदिर में गुरुद्वारों में जगहों पे रिकॉर्डिंग्स के लिए मना करते हैं ना, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रे कर रहा है, कोई मॉन्क अगर प्रे कर रहा है, तो प्लीज़ आप उनको डिस्टर्ब मत करो और अपने कैमरा की साउंड वगैरह ऑफ रखो और फ्लैश यूज़ मत करो, बस ये इन्होंने कहा रखा है। अदरवाइज तो कह रहे हैं कि आप आराम से रिकॉर्डिंग करो, आप देखो जानो हमारे बारे में क्या इनके लर्निंग्स हैं, कितना पुराना ये रिलीजन है। बाकी ये थिक्से मोनेस्ट्री है, ये देखो टॉप से व्यू कैसा दिख रहा है, पूरा पूरी वैली हमें नज़र आ रही है, पूरी वैली हमें नज़र आ रही है। बस चलते हैं हम यहाँ से नीचे, शाम का टाइम हो गया, बढ़ते हैं आगे। Thank you.
इनका कुछ ना कुछ मीनिंग तो है ही, बट यहाँ पर कहीं पर कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसलिए मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर सकता, बट ये देखो ना। अपनी ऑफरिंग्स भी दी हुई है, लाइक कोक की बॉटल, जूस की बॉटल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। कितना शांत है यहाँ पर सब कुछ। वही होता है जब ज्यादा भीड़ नहीं होती तो सब आप शांति से दर्शन कर सकते हो। ये रही मोनेस्ट्री, ये है थिक से मोनेस्ट्री, बहुत शांत है, बहुत सही है। और अगर जैसे होता है ना कि कोई ले आ रहा है तो मेन अट्रैक्शंस वगैरह क्या है, तो इट इज़ वन ऑफ देम, तो मस्ट विजिट है। अभी मैं नीचे से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, अभी फिलहाल तो आप ऊपर से देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरी वैली दिख रही है यहाँ से ये। और ये देखो, कहते हैं ना लोग कि मैं पहाड़ों को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा हूँ या कुछ है, इसमें तो आप ये देखो कि एक तरीके से आप पहाड़ों के बीच में ही हो। ये देखो, ये बिल्कुल सामने आ रहा है। चलो जी, टैक्सी से विजिट कर लिया है, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये एंड में ना इसके, ये देखो रेस्टोरेंट है, मैं एंड में बता रहा हूँ, ऐसे स्टार्टिंग में ही है। ये हमारा एग्जिट और एंट्री गेट है, अब एग्जिट कर रहे हैं। मॉर्निंग 6 से इवनिंग 7 o'clock, ये कर दिया एग्जिट। ये देखो बिल्कुल बाहर निकल दिया, मतलब ये पहाड़ पे ही बना हुआ है, ये हिल है एक्चुअली। ये हमने पार्किंग लगा दी, पार्किंग फ्री है। का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू नीचे से दिखता है, वो मैं भी आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है, धूप तो तेज है बट हवा सही चल रही है तो इसलिए गर्मी नहीं लग रही। चलो चले, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ इसका व्यू। अभी हमने ऊपर से देखा, अब नीचे से देखते हैं। ये देखो, ये है मोनेस्ट्री नीचे से, कार से अभी हम नीचे आ गए ना उतर के, ये है एंट्री इसका एरिया। और वो देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये मनाली हाईवे पे है, जो अभी हम मेन सिटी में रुके हैं ना उससे 22-23 किलोमीटर आ गया ये। चलो जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @BeingChavla। बाय। क्या चाहते हो भाई? खोल। मैं गलत खोल रहा हूँ क्या? दर्द तो खुलता नहीं जैसे। क्या चाबी नहीं घूमती है? खोल यार। लीजिए जल्दी खोल। मतलब पक्का ये चेंज गलत खोल रहा हूँ? सही ऐसे ही खुलता नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं, मेरे को बोलते रहते हैं, खुद घूमते रहेंगे, इनको पता है नहीं कौन सा रूम है हमारा, कौन सा क्या है। और जबकि रूम की भी लिखा भी हुआ है कि हमारा रूम कौन सा है, लगा हुआ दूसरे रूम को खोलने में, लगा हुआ दूसरे रूम खोलने में, ये है हमारा रूम। इतनी देर से मैं खड़ा भी हूँ यहाँ पे, बट नहीं, शो ऑफ है, मानना तो होता नहीं किसी का। स्पीकर्स लगे हुए, चैंट्स हो रहे हैं, तो फ्लैग्स देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी हवा चल रही है।